ये देखो आपके सामने स्मोक इतना आ रहा है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आ गया है तुम्हारा भाई, और इसके लिए मैं बहुत सॉरी चाहूंगा। और मैं बंदों की कमेंट्स देखता था, बहुत बंदे कहते थे अगली क्लास नेक्स्ट क्लास कब आएगी, तो भाई उसके लिए आप बिल्कुल, मैं बिल्कुल दिल से सॉरी बोलना चाहूंगा। लेकिन अब तुम्हारा भाई आ चुका है हमारे गेट में, हम बचाएंगे। मैं आपको बहुत बहुत नए नए ट्रिक्स बताने वाला हूँ हुक्के के बारे में, और कैसे अपना समझ लो ना हुक्का के साथ बिल्कुल परफेक्ट स्मोक आए। तो भाइयों मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ, चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे क्या है हुक्का, हुक्का लेते हैं किस टाइप का, किस क्लियरिटी का, कैसा भी है जैसा भी है, देखते हैं यार सबके पास अपना अपना होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं, देखिए शुरू से। चलो पहले हमारा हुक्का के साथ पाइप होता है, देख लें पाइप वर्क कैसा रहता है। जैसा आपकी जिस टाइप का भी आपका पाइप हो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ये हमारी बोलते हैं जो भी बोलते हैं आप, ठीक है भाई, इसे कहते हैं चिलम। तो ये भी देख लेना कैसी है कैसी नहीं, बढ़िया होनी चाहिए। और ये हमारी कॉइल है अफजल की, बहुत टाइप की आती है, कोई सी भी ले लेना, मैं तो ज़्यादातर अफजल ही यूज़ करता हूँ, ये मेरे लिए बेस्ट है, मुझे अच्छी लगती है, ठीक है। और ये हमारा फ्लेवर है अफजल का, और ये बहुत बेहतर है अलादीन और क्या बोलते हैं माया के फ्लेवर से, ठीक है। इसमें क्या है नशा भी कम होता है, बंदा क्या है आराम से यूज भी कर सकता है, इतना मतलब आपके गले में लगता भी नहीं है। चलो तो भाई अब स्टार्ट करते हैं कैसे करते हैं। और भाई देखते हैं कि हम कैसे बनाते हैं अपना हुक्का। तो पहले देखते हैं हमारा हुक्का, ये हमारा हुक्का है, और हम इस पर ट्राई करने वाले हैं ट्रिक्स कैसे कैसे हम बहुत बढ़िया स्मोक निकलेगा कैसे नहीं। ये हमारा फ्लेवर है अफजल का, ये देखो, और ये बहुत बढ़िया फ्लेवर है, और ये हमारी कॉइल है। और बाकी आप जिस टाइप की कॉइल लेकर आ सको और फ्लेवर लेकर आ सको वो आपके ऊपर है, ऐसी कोई बात नहीं है, जिस टाइप से भी बनाएं। लेकिन मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि कैसे स्मोक बहुत ज़्यादा निकले, जिसकी वजह से आप अपने रिंग्स परफेक्ट बना सको। तो भाई स्टार्ट करते हैं, चलो हम अपनी वीडियो। तो ये हमारी चिलम है, हमारे इसमें क्या फ्लेवर डालना है, फ्लेवर डालते हैं, देखते हैं कितना फ्लेवर डालना है और कितना नहीं डालना। तो ये अफजल का हमारा फ्लेवर है लेमन फ्लेवर, तो मैंने पढ़ा। तो भाई ध्यान रखें ये जो है ना अपने हिसाब से डालना है, ऐसा भी नहीं ज़्यादा भरने और ऐसा भी नहीं आगे जिसकी वजह से आगे दिक्कत हो। तो देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको कितना डालना है, और कभी भी फ्लेवर चेक करना हो थोड़ा सा गीला हो, नहीं तो आपका फ्लेवर जो है बेकार होता है, जो सूखा ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा बेकार रहता है। बस बाकी हमें इतना भी नहीं है पूरा भरना, बाकी हल्के हल्के थोड़ा सा हमें साइड में जगह छोड़ देंगे। तो ये हमारा चिलम में फ्लेवर भर चुका है, ये अपने हिसाब से डाल देना जैसे भी डालना, फिर हम साइड में रख देते हैं। तो एक हमें इसके लिए इसे ढकने के लिए इसे जिसकी वजह से क्या है स्मोक निकले उसके लिए हम एक फॉइल पेपर लेंगे, वो अपने हिसाब से काट लेना, और इस फॉइल पेपर को हम अपनी जिसे कहते हैं चिलम पे उस पर इस तरीके से हम क्या है फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारी चिलम पे हो गया। अब बहुत से बंदे अलग अलग तरीके से सजाते हैं, ऐसी कोई होनी है, आप जिस मर्जी से जैसे भी करना कर लो, लेकिन ध्यान रखें इसमें जो हॉल होंगे ना वो थोड़े से देखकर करना है। और हॉल के लिए आप एक स्टिक ले लो या टूथपिक जो भी आपके घर में होगी, ये तो देखते हैं हम कितने हॉल करते हैं। एक दो, ज़्यादा छोटे भी मत करना और ज़्यादा बड़े भी मत करना, मिडिल साइड मिडिल में रखना कोई दिक्कत नहीं। और हम क्या है राउंड लेंगे चारों तरफ, ऐसी बात नहीं। और फॉइल पेपर आपका देखना ज़्यादा मतलब आप जैसे भी यूज़ कर सकते हो, एक हार्ड भी होता है। तो भाई हमारी चिलम आप पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है, इसे हम रखते हैं साइड में, देखते हैं दूसरा जो ये हमारा हुक्का है, ठीक है इसे हम खोल लेते हैं। इसमें अभी हमें पानी डालना है, तो
इसमें पानी रखते हैं, हमें ज़्यादा भरना नहीं है पानी, देख लेंगे कितना आ रहा है। मैक्सिमम बस इतना होना चाहिए, बस खाली हल्का सा पाइप जो है क्या डूबना चाहिए इसके अंदर, ताकि क्या फिल्टर होके आपका स्मूव आए, ऐसा नहीं डायरेक्ट ही हो। दिखा देंगे हम, इतना कम से कम इतना पानी होना चाहिए, देख लो ठीक है। अब हम इसे रखते हैं साइड में, तो हम देखते हैं इसे हम रखते हैं अपनी फिल्म को इसके ऊपर। अब लाते हैं हम अपनी कॉइल, कॉइल को अभी फाड़ते हैं, स्ट्रैपर को निकालते हैं। देखो भाई हमारी कॉइल बिल्कुल जल चुकी है, रेड हो चुके हैं। अब हम इन्हें रख देते हैं दोनों को, हम इस तरीके से रखेंगे। ठीक है तो भाई देखते हैं कितना स्मोक आता है, ट्राई करते हैं। हमने पूरी तरह अपनी कॉइल जला लिया, देखो अभी धीरे धीरे स्मोक क्या है बढ़ता जा रहा है, जितनी देर हम करेंगे जब तक वो फ्लेवर जलेगा तो उतना ही स्मोक आएगा। इतना स्मोक जो है ना रिंग के लिए सही रहता है, या फिर जो ना सही रिंग बन जाते हैं, और यहाँ से हमें एडजस्ट कर लेना है जब भी आपके गले में लगे धुआं। ये रहती है हमारे यहाँ से क्या है स्मोक के जो अंदर जम जाता है ना पानी में, तो हम क्या है इसे बाहर निकाल सकते हैं। इससे क्या होता है गले में लगता नहीं है। भाई हमारा आज की इस वीडियो में देखा आपने कितने स्मोक आ रहे हैं, तो करते स्टार्ट। आओ भाई हमें भी तो चेक करो कैसा बनाया है भाई, भाई को देखो सब बंदे बताएंगे, मैं चेक करो स्मोक आ रहा कितना है। ये देखो आपके सामने स्मोक कितना आ रहा है, ओ भाई बहुत तगड़ा स्मोक आ रहा है गाइस, तो बहुत तगड़ा आ रहा भाई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर कर देना, और भाई सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। अब तो भाई दोबारा से मार्केट में आ गया, तो भाई उसके लिए सॉरी, पहले मैं आपकी जितने भी कमेंट्स थे पढ़े मैंने यार, उसके लिए भी कुछ सॉरी यार, ठीक है, थैंक यू गाइस। और भाई वीडियो अच्छी लगे कमेंट भी कर देना यार।